अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं मौजूद हूँ सिन कैटल एंड डेयरी फार्म पे और यहाँ की कलेक्शन आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनकी। ये देखिए व्यूअर्स, तो आइए अब चलते हैं यहाँ के मैनेजर की तरफ और उनसे इन जानवरों की इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम बताइएगा। जमील भाई। जी जमील भाई, ये बताइएगा ये सामने जो बछड़ा खड़ा हुआ है इसकी उम्र क्या है? ये बच्चा है 24 महीने का, दो दांत हो गया, लाल वाला। दो दांत हो गए। नस्ल कौन सी है ये? ये सहीवाल नस्ल है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी प्राइस जो है वो रेंज जो है वो कितने से स्टार्ट हो गए, कितने तक है? हमारे पास रेंज अच्छी है माशाल्लाह, 20 लाख वाला भी जोड़ी है, 40 लाख वाली भी जोड़ी है, और जो कम से कम वाली है वो जो है ना 2.5 तक, 2.5 लाख। जी जी, ये तो हाई लेवल तक 6 तक भी है, 8 तक भी है, 5 तक भी है। अच्छा, टाइमिंग बता दें यहाँ किस टाइम से किस टाइम तक आप लोग होते हैं? हम तो 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे जी जी, मतलब कोई भी किसी भी टाइम आए तो आ सकते हैं। जी जमील भाई, इसके बारे में बताइएगा। ये बच्चा देसी बच्चा है। हाँ, और उम्र कितनी है इसकी? ये है 3 साल का, दांतों में 6 हो गया है। दांतों में 6 हो गया। इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसके मांग रहे हैं 9 लाख रुपया। अच्छा, वजन कितना होगा तकरीबन इसका? वजन है बच्चे का 10.5 मन। 10.5 मन, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, लाइव वेट कितना होगा? लाइव वेट इसका है 780 है, 680। ठीक है जी जी। अच्छा जी जमील भाई, इसके बारे में बताइएगा। ये बच्चा क्रॉस है, गुलाबी बच्चा बोलते हैं इसको। इसके फाइनल मांगने 6.5 लाख रुपया। अच्छा, दांतों में कितना है? दांतों में 2 है। माशाल्लाह आप लोगों ने इसको अच्छा सजाया हुआ है। जी 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 जी। अच्छा, कितनी उम्र है इसकी? ये है 2 दांत, 24 महीने। 24 महीने का, मतलब 2 दांत का बछड़ा जो है वो 24 महीने 24 महीने का होता है। जी जी। और डिमांड इसकी आपने एक बार फिर बता दीजिएगा। इसके 6 लाख रुपया। 6 लाख रुपया, कोई कमी पेशी तो हो जाएगी? कमी पेशी हो जाएगी, मतलब ये तो नहीं है कि फिक्स प्राइस है कि नहीं है। ठीक है ठीक है। जी जमील भाई, ये माशाल्लाह बहुत हैवी लग रहा है और प्यारा भी है। ये चोलोस्तानी बच्चे हैं। अच्छा जी जी, ये भी दांतों में 2 है। दांतों में 2 है माशाल्लाह ये। जी 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 जी। अच्छा, इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं? इसके मांग रहे 7.5 7.5 लाख रुपया। जी, जी जी जी। और वही फिर मैं कहूँगी कि कमी पेशी तो हो जाएगी। कमी पेशी हो जाएगी इंशाल्लाह। अपनी गाय की ब्रीड है, कोई खरीदनी हमारी है, दूध का कारोबार है। अच्छा, ये माशाल्लाह आपकी अपने फार्म की ब्रीड है? फार्म की ब्रीड है। ठीक है जी जी। अच्छा, नस्ल आपने बताई ये चोलोस्तानी है। ये चोलोस्तानी है और दांतों में अभी सिर्फ 2 है, लेकिन माशाल्लाह काफी हैवी लग रहा है माशाल्लाह। जी जमील भाई, इसके बारे में बताइएगा। ये मेल में बच्चे हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रॉस होते हैं ना जी। ये अपने दूध वाली नस्ल के हैं ना। अच्छा जी 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 जी। अच्छा। ये जोड़ी के मांग रहे हैं 18 लाख रुपया। ये जोड़ी का 18 लाख रुपया मांग रहे हैं। एक 2 दांत है, एक 4 दांत है। और अगर कोई एक लेना चाहे तो? एक लेकर एक दे देंगे। एक 9 लाख की देंगे या फिर उसकी ज्यादा होगी? कमी पेशी हो जाएगी। कमी पेशी हो जाएगी जी जी। अच्छा, ये उम्र कितनी है इनकी? एक बच्चा 28 महीने का, एक बच्चा जो है ना 29 महीने का है। 29 महीने का है, ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, इनका वजन कितना होगा तकरीबन? वजन है बच्चों का 11 मन गोश्त का। गोश्त का। और लाइफ कितना होगा? लाइफ है 22 मन। 22 मन है, ठीक है माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं। बहुत माशाल्लाह, बहुत मेहनत होती है। अच्छा, इनकी खुराक के बारे में बताइएगा ना, क्या खिलाते हैं? खुराक में जो है ना अपनी फीड मिले, सब कुछ अपना राशन अपना सब कुछ है, दूध का कारोबार है। ठीक है, कोई खर्चा नहीं है, जो सालाना खर्चा होता है बच्चे पे वही लगाते हैं। ठीक है ठीक है, इसलिए आप लोगों ने प्राइस रेंज जो मुनासिब रखी हुई है रखी हुई है। जी जमील भाई, इसके बारे में बताइएगा। ये बच्चा माशाल्लाह बड़े मन में है, मेल में बच्चा है, बच्चा अच्छा है। बच्चे का मांग रहे 12 लाख रुपया।
12 लाख रुपए मांग रहे हैं जी, ये फाइनल है? फाइनल जो है ना इरादा 9 तक है। अच्छा वजन कितना होगा इसका? वजन है 1000 kg है। ये भी आपके फार्म की अपनी ब्रीड है? सब अपनी गाय की ब्रीड है। मतलब आपने बाहर से कोई भी परचेज नहीं किया? परचेज करते भी नहीं हम। ठीक है जी जी जी। दांतों में कितना है ये? दांतों में 6 हो गया, ये 3 साल का हो गया है। माशाल्लाह काफी अच्छा है, खूबसूरत और हेल्दी भी है। 4 को और 6 को कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी जी जी। माशाल्लाह जी। जमील भाई इस पर बछड़े के बारे में बताइएगा। ये बच्चा माशाल्लाह हाई लेवल का बच्चे हैं, अपनी गाय का बच्चे हैं, ये दूध मक्खन पे पलते हैं। इसके मांगने 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया। अच्छा वजन कितना होगा इसका? बच्चे का वजन है 42 मन जिंदा। लाइव वेट बता रहे हैं। गोश्त तकरीबन कितना होगा? इसमें 21-22 मन। 21-22 मन होगा। दांतों में कितना है? दांतों में 6 है। 6 है। और नस्ल कौन सी आपने बताई? नस्ल है चोलिस्तानी। चोलिस्तानी नस्ल है। ये माशाल्लाह से आपके फार्म का सबसे हैवी बछड़ा है। ये हैवी लेवल है, बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल की पलाई है। 3 साल की पलाई है। जी जी जी। अच्छा ये सारे जो है वो दूध मक्खन पे ही पले हुए हैं? नहीं सब दूध मक्खन के नहीं होते, जो अच्छे जानवर होते हैं उसको पिलाते हैं। जी जमील भाई इस बछड़े के बारे में बताइएगा। ये बच्चा जो है ना बरेमन में मेल है, बच्चा अच्छा है, दांतों में 4 है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? मांग रहे हैं 30 लाख रुपया। 30 लाख रुपया इसकी डिमांड ज्यादा है? जी जी खूबसूरती है, 1 साल और भी रोक सकते हैं बच्चा, अभी भी गुंजाइश है बच्चे में। ठीक है ठीक है। अच्छा वजन कितना होगा इसका तकरीबन? वजन है इसका जो है ना 40 मन। 40 मन जिंदा का? जिंदा का 20 मन गोश्त में। 20 मन गोश्त में है। ठीक है। सारी मतलब माशाल्लाह से आपके फार्म की अपनी ब्रीड है, बाहर से आप कोई परचेज नहीं करते? नहीं नहीं अपनी ब्रीड है माशाल्लाह। 28 को तंबू लगाया, 110 माल भेज दिया माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मंडी जाने की जरूरत भी नहीं है। और इसका जो है आपका फार्म कहाँ है? पीछे हमारा फार्म है, ये सिंध डेयरी है, जमील कॉलोनी हमारी है सब। ठीक है। ये कॉलोनी भी अपनी है। जमील कॉलोनी जो है ना माशाल्लाह हाई लेवल पे चल रही है ना, कोई हर शहर सकोटी शकोटी सबको जो रात को जो है ना 5 बजे तक फैमिली घूमती रहती है, कस्टमर भी आ रहे हैं। ठीक है जी जी जी। जमील भाई इस बछड़े के बारे में बताइएगा। ये बरेमन ब्रीड है, बच्चों का मांगना 55 लाख रुपया जोड़ी के, इरादा है 26 तक फैनल। अच्छा तकरीबन जो है वो वजन कितना होगा इसका? वजन है बच्चे का जो है ना 55 मन जिंदा। और गोश्त का कितना होगा? गोश्त का हो गया 27 मन। 27 मन। अच्छा ये बताइएगा अगर कोई अभी आपसे जानवर खरीदता है और ईद तक आप ही के पास छोड़े तो आप उससे पलाई सर्विस के कितने चार्जेस ले रहे हैं, कितने पैसे ले रहे हैं? कुर्बानी वाला जो है 1 महीना जो छोड़ते हैं हम नहीं लेते, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लेते। ऐसा नहीं है, कोई ये नहीं है, 24 साल हो गए हम पैसे भी नहीं लेते। अच्छा अगर ये बताइएगा कोई अभी इस साल आपसे जानवर खरीदे और अगले साल तक छोड़े तो उसके महीने के कितने चार्जेस होंगे? उसके होते हैं महीने के 25,000 रुपया। अच्छा उसमें क्या क्या शामिल होता है? उसमें राशन होता है, चने की आटी होती है, छोला होता है, घी होता है, सरसों का तेल होता है और दूध शुद्ध नहीं होता। ठीक है ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छे है और ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे। जी जमील भाई इसके बारे में बताइएगा। ये सहीवाल बच्चा है। दांतों में कितना है? दांतों में ये 6 हो गया है। 6 हो गया। और वजन इसका तकरीबन कितना होगा? वजन है इसका 27-28 मन है गोश्त में। गोश्त में। और लाइव वेट कितना होगा? लाइव वेट है 55 मन। 55 मन। जी जी। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसके मांगने 25 लाख रुपया। 25 लाख रुपया। और कमी बेशी कितनी हो जाएगी? कमी बेशी जो है ना बस ये इरादा 22-21 तक है। ठीक। जी जमील भाई इस बछड़े के बारे में बताइएगा। ये बच्चा देसी में है माशाल्लाह। और कितना वजन होगा इसका? इसका वजन है गोश्त में 22 मन। 22 मन। और लाइव वेट कितना? 44 मन। ठीक है। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? बच्चे के मांगने 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया। फाइनल कहाँ तक हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा 13 तक। अच्छा दांतों में कितना है ये? दांतों में 6 हो गया। 6 हो गया। जी 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 जी। अच्छा ये जो अभी खड़े हुए हैं ये इनमें से कोई बिक तो नहीं गया? नहीं अभी तक नहीं बिक गया माशाल्लाह, बाकी तो काफी माल बिका हुआ है। ठीक है ठीक है। जी जी जी। मतलब ये जो अभी दिखा रहे हैं हम यहाँ ये बेचने के लिए। ठीक है ठीक है। माशाल्लाह ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, इसका प्रिंट वगैरह, इसकी झालर बहुत अच्छी है, खूबसूरत भी है। ये अफ्रीकन ब्रीड है हमारी, बाहर से इम्पोर्ट कराए। ठीक है ठीक है। चलिए पहला नंबर। अच्छा जी जमील भाई इस बछड़े के बारे में बताइएगा। ये बच्चा देसी बच्चा है, दांतों में 4 है। अच्छा क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? इसके मांगने 18 लाख रुपया। वजन कितना होगा इसका? बच्चे का वजन है 18 मन गोश्त में। 18 मन गोश्त में है। ठीक है। और वो तकरीबन लाइव वेट कितना होगा? लाइव में 38 मन। 38 मन, मतलब आधे आधे का डिफरेंस होता है। जी जी। ऐसा तो नहीं होता कोई 60 मन का है तो उसका आधा ही होता है? आधा ही होता है। जी 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 जी। ठीक है। इसकी डिमांड एक बार फिर बता दीजिएगा। इसके मांग रहे हैं 18 लाख रुपया। 18 लाख रुपया मांग रहे हैं। ठीक है। फाइनल कितने तक हो जाएगा? फाइनल होगा इंशाल्लाह 12 तक। ठीक है। जी जी जी। जमील भाई इस बछड़े के बारे में बताइएगा। ये बच्चा दांतों में 2 है, बरेमन ब्रीड है बाहर के,
ठीक है, और क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये बच्चा कमा रहे हैं 12 लाख रुपया, एक साल और भी पाल सकता है बच्चा। अच्छा, वजन के बारे में बताइएगा, वजन कितना है इसका? बच्चे का वजन है 11 मन गोश्त में। 11 मन गोश्त में है और 22 मन होगा लाइफ? 22 मन लाइफ है बच्चा है। अभी दूध, अभी 2 दांत हुआ है ये इसकी। माशाल्लाह लेंथ बहुत अच्छी, लंबा है ये बहुत ज़्यादा। बड़ा जानवर जो है ना 3 साल में तैयार होता है। ठीक है, जी 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 जी। अच्छा, कमी पेशी कितनी हो जाती है तकरीबन, कुछ बताएंगे? कमी पेशी हो जाती है एक बच्चा, एक चीज़ जो 15 लाख की है जो है ना जी, 12-11 तक हो जाती है, 11 का फाइनल दे देते हैं। ठीक, हम जो बात कर रहे हैं कस्टमर जो है ना खाली ना जाए, जानवर लेके जाए। ठीक है, ठीक जी जी। और अगर हमारे चैनल का नाम लेके कोई आएगा तो उसको थोड़ी बहुत और कर देंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए जी। जमील भाई, इन बच्चों के बारे में बताइएगा। ये बच्चे के मांग जो है फाइनल जो है ना 2.75 का दे दूंगा। 2.75 तक। कितना वजन होगा इसका? ये बच्चे का बताना 7.5 मन। गोश्त का बता रहे हैं? गोश्त का। ठीक है, ठीक है। नस्ल कौन सी है? ये सहीवाल बच्चे हैं, दांतों में 2 है। दांतों में 2 हैं, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, इससे कमी पेशी थोड़ी बहुत हो जाएगी? और कमी पेशी हो जाएगी, 10-20 की हो जाएगी। ठीक है जी जी जी। इसके भी मांग रहे हैं 2.75। 2.75। और ये जो काला वाला बैठा हुआ है, ये जो बैठा हुआ है 1.80 मांग रहे हैं बेटा। इसको उठा, ये ब्लैक वाले के 2.80 मांग रहे हैं। मांग रहे हैं। इसका वजन कितना होगा? ये बच्चे का बताने 5.5 मन। 5.5 मन गोश्त का बता रहे हैं क्या? जी जी जी। ये सारी आपकी अपने फार्म की ही ब्रीड फार्म की है माशाल्लाह। ठीक है जी जी जी। अच्छा जी जमील भाई, इन बच्चों के बारे में बताइएगा। जी जी, ये मेल में बच्चा है, खूबसूरत बच्चा है, बच्चे का 6 लाख रुपए मांग रहे हैं। 6 लाख फाइनल है? जी जी फाइनल है। दांतों में 4 है। ठीक है, वजन कितना होगा? बच्चे का वजन है 9.5 मन गोश्त में। 9.5 मन, मतलब लाइव वेट कितना होगा? 18.5 मन। 18.5 मन। 6 से कम नहीं होगा? नहीं, 6 से कम नहीं होगा। अच्छा जी जी। खूबसूरती के पैसे हैं। नस्ल कौन सी है ये? ये चोलिस्तानी। चोलिस्तानी जी जी जी। ठीक है, ठीक है जी। जमील भाई, इन बच्चों के बारे में बता दीजिएगा। अब ये जो तकरीबन सारे ही खड़े हैं यहाँ पे 2-4 से, जी जी, इनकी क्या? ये लाल डब्बा जो बच्चा खड़ा हुआ है ना, ये 1.90 का दे दूंगा। 1.90 का? जी जी। और ये जो बाकी इसके बराबर में खड़ा हुआ, बाकी जो व्हाइट वाला जो बच्चा खड़ा हुआ, ये बच्चा दे दूंगा 3.5 का। अच्छा, ये इनके फाइनल है? थोड़ी बहुत इसमें भी हो जाएगी? नहीं, इसमें हो जाएगी, 10-20 की कमी हो जाएगी। इनके वजन वगैरह के बारे में बता दें। बच्चे हैं, बच्चा जो लाला व्हाइट अलग जो खड़ा हुआ है, ये बच्चे का वजन है 7.5 मन। ये बच्चे का वजन है गोश्त में 6 मन। 6 मन जी जी। ठीक है, 1.90 का। मतलब फार्म से भी इतनी में रेंज में जानवर मिल जाता है? मिल जाता है माशाल्लाह। अभी भी अगले साल का माल तैयार है, 400 माल। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि ये जितने भी जानवर आपके पास खड़े हैं, इन सबकी वैक्सीनेशन वगैरह हुई भी है? हाँ, फार्म वाले को सबकी वैक्सीन होती है। ठीक है, ठीक जी जी। मुँह खुर की, गलगोटू की, अब बारिशों का मौसम आ रहा है, हर वैक्सीन की हुई है। ठीक है, ये जानना ज़रूरी होता है कि किसी जानवर को कोई बीमारी तो नहीं आएगी? बिल्कुल जी। जमील भाई, इस बछड़े के बारे में बताइएगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रिंट है। जी जी माशाल्लाह। बच्चे का मांग रहे 18 लाख रुपए। अच्छा, दांतों में कितना है ये? दांतों में 4 है। नस्ल? नस्ल है चोलिस्तानी। चोलिस्तानी। फाइनल कितने कर लेंगे इसके? फाइनल इरादा है 12 तक। अच्छा, वजन कितना होगा? वजन है बच्चे का 14 मन गोश्त में। 14 मन गोश्त में, माशाल्लाह। आप लोग इनकी खूबसूरती देखिए। बच्चे के जो है ना खूबसूरती के पैसे भी होते हैं, मेहनत भी होती है, खर्चे बहुत है, महंगाई बहुत होगी। और सबसे बड़ी बात आपने मुझे ये बताई है, मतलब मेरा ये फर्स्ट फार्म है जिसमें ये है कि कोई भी बायर की परचेसिंग नहीं है, सारी अपने ही फार्म की ब्रीड है। फार्म की है माशाल्लाह। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है सेंट डेयरी फार्म। बिल्कुल, एशिया में 1 नंबर फार्म। ठीक है जी जी जी। ये जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह सिन कैटल एंड डेयरी फार्म का सबसे हेवी बछड़ा सिब्बी। ये आप देख सकते हैं, इसकी माशाल्लाह से आप हाइट वगैरह चेक करिए। इसकी हाइट जो बताई जा रही है वो तकरीबन 6.5 से 7 फुट के दरमियान बताई जा रही है। बहुत खूबसूरत और बहुत हेवी बछड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिन कैटल एंड डेयरी फार्म की प्राइस रेंज बहुत मुनासिब है। आप इनके जितने भी बछड़े देखेंगे, इनकी प्राइस रेंज जो है बहुत मुनासिब है। और ये बता रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा फार्म है सिन कैटल एंड डेयरी फार्म, एशिया का सबसे बड़ा फार्म है। एंड व्यूअर्स, यहाँ के जानवर देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इनकी क्वालिटी माशाल्लाह से कितनी अच्छी हो। एंड व्यूअर्स, आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आगे चल के मैं आपको सिब्बी की प्राइस रेंज और इसकी पूरी डिटेल्स जो है वो जमील भाई से लेकर प्रोवाइड करूंगी, तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह एक और बहुत खूबसूरत और बहुत हेवी ब्लैक कलर का बछड़ा है। आप इसकी क्वालिटी चेक करें, इसकी सेहत से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये माशाल्लाह कितना हेवी बछड़ा है। अच्छा जमील भाई, इस काले वाले बछड़े के बारे में बताइएगा। काले वाले बच्चे का मांग रहे हैं 8.5 लाख रुपए। नस्ल कौन सी है? नस्ल है ये सहीवाल में। सहीवाल में है। अच्छा, वेट कितना होगा तकरीबन इसका? बच्चे का वजन है 9 मन।
अमूमन। दांतों में कितना है? दांतों में अभी 4 हुआ है। कमी बेशी कहाँ तक हो जाएगी? कमी बेशी हो जाएगी, बच्चा फाइनल दे दूंगा 6.5 का। 6.5 लाख? जी 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 जी। ठीक है मतलब अच्छा, आपने ये बताया कि 24 घंटे आपके पास आ सकते हैं यहाँ पे? 24 घंटे वाड़ा भी खुला रहता है, तंबू भी खुला अच्छा, रहता है। बता दें कि फार्म है कहाँ पे? ये पीछे, ये कॉलोनी हमारी है, पीछे फार्म है अपना, ये बराबर में जमील मेमन सोसाइटी। जमील मेमन सोसाइटी। ठीक है। जी जी जी। माशाल्लाह काफी अच्छी कलेक्शन है आपके पास, बहुत अच्छे जानवर हैं। अभी माशाल्लाह आप लेट आए हो, काफी तो माशाल्लाह जानवर बिक गए हैं, 110 माल बिक गया है। 300 जानवर होता है इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो अगले साल इंशाल्लाह। जी जमील भाई, इस बछड़े के बारे में बताइएगा। जी जी, ये मक्खी चीना बच्चा है, चोलस्तानी बच्चा है, दांतों में 2 है। अच्छा, ये जो बकरियां होती हैं उन्हें मक्खी चीनी होती है, मतलब बड़े बछड़ों में भी मक्खी चीनी नस्ल होती है? बकरियों पे भी हासलपुर की बकरी मशहूर होती है, मक्खी चीनी होती है। और ये कहाँ की है? ये रहीमयार खान का चोलिस्तानी बच्चे। चोलिस्तानी बछड़ा, क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? ये बच्चे मांग रहे हैं 8.5 लाख रुपया। अच्छा, कितना वजन होगा इसका? बच्चे का वजन है 10 मन। 10 मन। और ये मतलब गोश्त का बता रहे हैं या पूरे? गोश्त का बता रहे हैं, लाइफ जो है ना 20 मन है। 20 मन। जी जी जी। जमील भाई, इस बछड़े के बारे में बताइएगा। ये बच्चा है सिब्बीदार ब्रीड है ना? जी जी। इसका कद माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कितना होगा तकरीबन? बच्चे का कद है 7 फुट। 7 फुट। जी जी। दांतों में 4 है। दांतों में 4 है माशाल्लाह। अच्छा, कितना वजन कितना होगा? बच्चे का बताना है 14 मन गोश्त में। 14 मन गोश्त में। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? बच्चे का मांग रहे हैं 16 लाख रुपया। 16 लाख। फाइनल कहाँ तक दे देंगे? फाइनल इरादा है 12 तक। 12 तक। माशाल्लाह बहुत है जो है, इसकी हाइट अच्छी है। बच्चे में बहुत गुंजाइश है, 1 साल और भी रुक सकता है। 1 साल और भी? जी। इसकी हाइट तो इतनी ही रहेगी? हाँ, हाइट इतनी रहेगी, भर जाएगा बच्चा जो है ना, बाजार में आ जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अच्छी हाइट है। अभी आया मेरे पास, 6 महीने हुए। 6 महीने। जी जी। ठीक है माशाल्लाह बहुत अच्छा है जानवर है माशाल्लाह। शुक्रिया जमील भाई, आपने इतना टाइम दिया। जी व्यूवर्स, तो आज आपने देखे सिंध कैटल एंड डेयरी फार्म के कुछ बछड़े, क्योंकि इनका कहना है कि इनके पास तकरीबन 5000 बछड़ा मौजूद है फार्म में। लेकिन ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कितने, यहाँ पे भी अच्छी खासी तादाद में बछड़े मौजूद हैं। लेकिन मेरे लिए जाहिर सी बात है, एक एक बछड़े की कीमत को पूछना मुमकिन नहीं था। जितने बछड़ों की कीमत मैं पूछ सकती थी उतनों की पूछ के मैंने ज़रूर आप लोगों को बताई है, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स भी आ रहे थे और उनकी पास जो है वो कॉल्स भी बहुत आ रही थी। तो मैं जितने बछड़ों की कीमत पूछ के बता सकती थी मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी जिसको भी विज़िट करना हो तो इनका फार्म जो है वो जमील मेमन सोसाइटी में मौजूद है, बल्कि पूरी जमील मेमन सोसाइटी ही इन्हीं की है। तो ये आप देख सकते हैं इनकी कलेक्शन, माशाल्लाह बहुत अच्छी कलेक्शन है और प्राइस भी बिल्कुल ठीक है, मुनासिब प्राइस है। क्योंकि ये पहला फार्म है जिसकी प्राइस जो है मुझे, मतलब मैं जिसके बारे में ये भी नहीं कहूँगी कि मुनासिब है, बल्कि कम है इनकी प्राइस मंडी के हिसाब से। और बाकी क्योंकि मैं विज़िट करती रहती हूँ फार्म्स का, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। लेकिन ये कि माशाल्लाह इनके पास बहुत अच्छी कलेक्शन है और कीमत भी बिल्कुल मुनासिब है। तो ये आप देख सकते हैं। एंड व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बहुत अच्छी वीडियो में आपके साथ मिलूंगी। एंड अगेन कहूंगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।